बोले वो बोले बताए वो बताए बोला मैं बताऊंगा स्पीकर सर वन सेकंड स्पीकर सर मैं आपको बताता हूँ जो 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 मुझे मालूम है स्पीकर सर मैं आपको बताता हूँ बैठिए स्पीकर सर हुआ क्या वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने के दिया गया था सर ये फैक्ट है सर अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ वो अलग बात है बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के संसद के उनके लिए खुले उससे पहले वो बंद थे ठीक और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर प्लीज प्लीज नो प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए किसको आने दें एक मिनट प्लीज बैठी है किसको आने दें किसको अलाउ नहीं करने दें ये स्पीकर का ज्यूरिडिक्शन होता है नंबर एक जब ये सूचना आई आप मिले उनसे अंदर मिले लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता हाँ और आपकी मौजूदगी में उन्होंने बाइट दी ये क्लियर करना चाहता हूँ सर ये टेक्निकलिटी है सर ये मुझे मालूम नहीं था कोई बात नहीं बट सर प्लीज नो माननीय सर आप मत बोलिए आपके नेता बोल रहे हैं तो स्पीकर सर ये आपको बेटे बेटे कौन सर हमने अधिकारी है माननीय माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपके बेटे बेटे सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं फिर वो कहते हैं कि लोग क्यों कमेंट्री कर रहे हैं सर हम चाहते थे हम हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है लीगल गारंटीड एमएसपी हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर ये इतना बड़ा काम नहीं है हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इस बजट में इसका प्रोविजन कर देती अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान है जो चक्रव्यूह में आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं वो निकल पाते ये हमारी थिंकिंग थी मगर मगर आपने नहीं किया तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे स्पीकर सर जो मिडिल क्लास है सर वो प्रधानमंत्री को अच्छी बात बोलो आप बैठे बैठे चुप्पी आप मत करो आप करोगे तो वो भी करेंगे आप मत करो मैं सब साइलेंट रहो प्लीज फिर टिप्पणी कर रहे हो आप प्लीज माने सर सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली भिजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली भिजवाई धड़ 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 थाली बजा बजाए हमें अजीब लगा मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ और मोबाइल फोन की लाइट जली मिडिल क्लास ने पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा दूसरा छुरा छाती में एक इधर मारा और एक इधर मारा इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया यहां छाती मारी यहां छुरी मारी और शॉर्ट टर्म को 15% से 20% छुरी मारी